दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल पे को रेफर करके एक रेफर पर 125 रुपए अर्न कर सकते हो, और जो पैसा आप अर्न करोगे वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जिसको आप रेफर करोगे उसको भी 21 रुपए गूगल पे की तरफ से मिलेगा और वो भी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू गूगल पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। बैंक अकाउंट लिंक कर लेने के बाद आपको मैं आगे बताता हूँ कि कहाँ आपको लिंक मिलेगा और किस लिंक को शेयर करना है और कहाँ कहाँ पर शेयर करना है। तो इसके लिए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। इसके लिए मैं सबसे पहले गूगल पे ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं गूगल पे के होम पेज में हूँ। अब सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और पूरा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवाइट योर फ्रेंड्स टू गूगल पे, ठीक है। और जिसको भी आप इनवाइट करेंगे, अगर वो 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लेता है अकाउंट सेटअप करने के बाद, तो आपको 125 रुपये मिलेंगे और आपके फ्रेंड को 21 रुपये। अब आपको सिंपली यहाँ पर इनवाइट का बटन मिल रहा है, आपको यहां से इनवाइट पर क्लिक कर लेना है। और अब आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ गया है लिंक को शेयर करने का। आप यहां से व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं लिंक को, या फिर आप मोर बटन पर क्लिक करके और भी बहुत सारे ऑप्शंस ला सकते हैं। तो मोर बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने बहुत सारा सोशल मीडिया का आइकन मिल गया है, आप जहाँ चाहें वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं व्हाट्सएप पर शेयर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर किसी भी एक को शेयर कर लेना है, क्लिक कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से सेंड पर क्लिक करना है, और एक बार और यहाँ से आपको सेंड कर लेना है। अब सेंड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक लिंक मिल गया है। इस लिंक के थ्रू कोई भी इंस्टॉल करता है तो आपको 125 रुपये मिलेंगे और आपके फ्रेंड को 21 रुपये गूगल पे की तरफ से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो चलिए अब मैं बैक कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि और कहाँ कहाँ पर आपको ये इनवाइट लिंक मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इनवाइट लिंक नहीं मिलता है तो सिंपली आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रेफरल्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ गया है शेयर करने का लिंक। आप यहाँ पर डायरेक्टली शेयर पर क्लिक करेंगे तो सेम वही सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो वहाँ पर आपको मिल रहा था। अब आपको बैक कर लेना है एक बार और मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरल अ फ्रेंड्स एंड गेट 125 कैशबैक। चलिए बैक कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह और कहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। तो सबसे ऊपर आ जाना है आपको, और सबसे ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक कर लेना है, राइट कॉर्नर में जो लोगो दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवाइट फ्रेंड्स गेट रिवार्ड्स, यहाँ पर आपको अपने कॉपी कर लेना है जो रेफरल कोड है। आप कोड को भी शेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। तो लिंक शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर वही सारा ऑप्शन मिल गया आपके सामने जो आपको वहाँ पर मिल रहा था, सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके और शेयर कर देना है, तो वही लिंक यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको लिंक फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि गूगल पे ऐप को रेफर करके अर्न करना कितना आसान है। गूगल पे ऐप को आप जितना ज्यादा रेफर करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक गूगल पे ऐप पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। बैंक अकाउंट ऐड कर लेने के बाद आपको इनवाइट लिंक मिल जाएगा। इनवाइट लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां चाहे आप वहां पर शेयर करके इंस्टॉल करवा सकते हो दोस्तों से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे रेफर करके अर्न करना है। अगर फिर भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।